तो दोस्तों इंडोनेशिया में वीवो S1 लॉन्च हो चुका है और बहुत ही जल्दी ये फ़ोन इंडियन मार्केट में भी लॉन्च होने वाला है और यहाँ पे सिर्फ 13 से 14 हज़ार के प्राइसिंग में ही मिलने वाला है सुपर एमुलेट डिस्प्ले और उसके साथ ही यहाँ पे आपको इंडिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर, ट्रिपल रियर कैमरा, 32 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा और हीलियो P65 का प्रोसेसर मिलने वाला है। और दोस्तों हीलियो P65 हीलियो P70 से 22% फास्टर है। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो में हम बात कर लेते हैं वीवो S1 के बारे में, क्या कुछ मिलने वाला है आपको इस फोन में और कब तक ये फोन इंडियन मार्केट में लॉन्च होगा। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं यहाँ पे इसके डिजाइन से। तो यहाँ पे आपको मिलेगा पॉलीकार्बोनेट का बैक जो कि ग्लॉसी ग्रेडियंट फिनिशिंग के साथ आने वाला है और उसके साथ ही यहाँ पे आपको मिलेगा ट्रिपल रियर कैमरा। और अगर बात करें इसकी फ्रंट साइड के बारे में तो यहाँ पे आपको 6.38 इंच का फुल एचडी प्लस वाटर ड्रॉप नॉच वाला डिस्प्ले मिलने वाला है जो कि एक सुपर एमुलेट पैनल होगा और उसके साथ ही इस फोन में इंडिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर भी मिलने वाला है। और अगर बात करें इसके प्रोसेसर के बारे में तो यहाँ पे आपको मिलेगा मीडिया टेक हीलियो P65 का प्रोसेसर जो कि रियलमी 3 में आने वाले P70 से 22% ज्यादा फास्टर है। और उसके साथ इस फोन में आपको मिलने वाला है एंड्रॉयड पाई का सपोर्ट जो कि फन टच ओएस के साथ आएगा। और इस फोन में आपको मिलने वाला है 3 रैम वेरिएंट 464 GB, 4/128 GB और 6/128 GB। और अब बात कर लेते हैं इसके कैमरास के बारे में। तो यहाँ पे आपको रियर साइड में मिलेगा ट्रिपल रियर कैमरा जिसका मेन सेंसर होने वाला है 16 मेगापिक्सल का और उसके साथ ही 8 मेगापिक्सल का एक सुपर वाइड एंगल लेंस और 4 मेगापिक्सल का एक डेप्थ सेंसिंग सेंसर मिलने वाला है। और अगर बात करें इसके फ्रंट कैमरा के बारे में तो यहाँ पे आपको सेल्फी के लिए 32 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा भी मिलने वाला है। तो दोस्तों देखा जाए तो इस फोन का कैमरा परफॉर्मेंस 15,000 से नीचे आने वाले किसी भी फोन से बेहतरीन होने वाला है। और अब बात कर लेते हैं इसके बैटरी के बारे में। तो यहाँ पे आपको मिलेगा 4500 mAh का बैटरी जो कि डुअल इंजन फास्ट चार्जिंग के साथ आने वाला है और यहाँ पे आपको 18 वाट का फास्ट चार्जर बॉक्स के अंदर ही मिलेगा। लेकिन दोस्तों इस फोन में आपको टाइप सी पोर्ट नहीं मिलने वाला है। और अब बात कर लेते हैं इसके प्राइसिंग के बारे में। तो दोस्तों ये फ़ोन एक ऑनलाइन सेंट्रिक डिवाइस होने वाला है तो इसके लिए इसका प्राइसिंग भी बहुत ही एग्रेसिव होगा। तो इसका स्टार्टिंग प्राइस होने वाला है 13 से 14 हज़ार के बीच में ही। तो यहाँ पे आपको 14 हज़ार के प्राइसिंग में मिलने वाला है सुपर एमुलेट डिस्प्ले, इंडिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर, 32 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा और ट्रिपल लेयर कैमरा। तो दोस्तों देखा जाए तो ये फ़ोन काफ़ी अच्छा ऑप्शन होने वाला है क्योंकि इस प्राइस सेगमेंट में आने वाले किसी भी फ़ोन में हमें इतना सारा फीचर्स नहीं मिलता है। और अगर बात करें इसकी लॉन्च डेट के बारे में तो ये फोन इंडोनेशिया में लॉन्च हो चुका है और अगले 1 महीने के अंदर ही ये फोन इंडिया में भी लॉन्च होगा। तो दोस्तों ये फोन अगस्त महीने के फर्स्ट या फिर सेकंड वीक के अंदर ही लॉन्च होने वाला है। तो यही था वीवो S1 के बारे में कुछ कंफर्मेशन। तो उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आया और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी दबा दीजिए।